शेख, मैंने कुछ अहनाफ के मुफ्तियों के बातें सुनी थी शेख, जो बोल रहे थे कि एक जो लड़की बालिग हो जाती है तो उस लड़की को एक बाप बोसा देना या फिर गले लगना ऐसे करने से परहेज करना चाहिए, बस सर पे हाथ कर लेना चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। तो ये शरीयत की नजर से कहाँ तक सही है शेख? क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना था कि वो फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा को हाथ पर बोसा भी दिया करते थे। तो इस पर जी, वाजे बहुत कर वाजे है, दीजिए। बिल्कुल वाजे है। जो भी आपके मुहर्रमात हैं, यानी जिन मुहर्रमात अबदिया, जिनसे हमेशा हमेश के लिए निकाह करना हराम है, उनसे आपका पर्दा नहीं है कभी। उनसे सलाम करना या बोसा देना, जैसे आपकी माँ है, आपकी बेटी है, उनको बोसा देना, इसमें असलन कोई मुजायका नहीं है। अब कोई खबीस तीनत का इंसान है और उसके बारे में मारूफ है तो हम उसको मना करेंगे, लेकिन ये चीज असलन, ये चीज जायज है, इसको कोई ये नहीं कह सकता कि यह हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज साबित है। अपनी बेटी को, माँ को, या जो भी मुहर्रमाते अबदिया हैं, उनको बोसा देना, इसमें कोई मुजायका नहीं है। अब अगर इस चीज के अंदर कोई गलत इंटरेक्शन है किसी का, कोई गलत नीयत है, गलत मकसद है, तो अलग मसला है, तब तो जी नाजायज होगा, लेकिन ये चीज असलन जायज है।